बीमारियाँ दो तरह की होती हैं, एक्यूट बीमारियाँ और क्रॉनिक बीमारियाँ। एक्यूट बीमारियाँ वो होती हैं जो बहुत तेज़ी से बॉडी के अंदर पनपती हैं और उतनी ही तेज़ी से ये बॉडी से निकल जाती हैं, जैसे कि वायरल फीवर का होना, एक्सीडेंट हो जाना, कट लग जाना, हड्डी टूट जाना। इसमें हमें तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, इसमें आप मेडिकल हेल्प सीख करते हैं और वो ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम होती है क्रॉनिक बीमारियों की। क्रॉनिक बीमारियाँ वो बीमारियाँ हैं जो टाइम लेती हैं बॉडी के अंदर पनपने में, जो आपकी डाइट और लाइफस्टाइल की गड़बड़ियों से पैदा होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, फैटी लीवर, हार्ट डिसीज़, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, एसिडिटी का होना। और इनको ट्रीट करने के लिए अगर आप केवल मेडिकल की हेल्प लें तो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेडिकल हेल्प से आप इनके सिम्टम्स को ट्रीट कर पाते हैं, लेकिन रूट कॉज को जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे तब तक इन बीमारियों को रिवर्स करना या इनको मैनेज कर पाना संभव नहीं होता। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। अगर आपके यहाँ नल ओवरफ्लो हो रही हो या पानी ओवरफ्लो हो रहा हो और हम केवल फ्लोर को क्लीन करने में लग जाएं, तो क्या हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? हमें नल का सोर्स, जहाँ से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, उसे बंद करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो बीमारियाँ जिस कारण से पैदा हुई हैं, जो आपकी डाइट और लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम की वजह से आई हैं, उनको डाइट और लाइफस्टाइल में ही सुधार लाकर आप ठीक कर सकते हैं। इसीलिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लीजिए, लेकिन डाइट और लाइफस्टाइल में सुधार लाना क्रॉनिक बीमारियों के मैनेजमेंट में पहला कदम है। इसीलिए उसे जरूर ध्यान दीजिए और उसमें जरूर सुधार लाइए।